कैन कम हियर ऑन चाइल्ड युवा शक्ति घी कैंफर कैसे बनाते हैं, ये प्योर घी बिकॉज कृष्ण जी लाइक प्योर घी, देसी जो अपना गाय का घी है तो इज वेरी फॉन्ड ऑफ देम। तो अगर आप विशुद्धि में नाक में रोज घी कैंफर डालेंगे और अपने विशुद्धि पॉइंट्स को मसाज करेंगे तो यू विल बी वेरी मच अवे फ्रॉम ऑल दिस वायरसेस affecting your lungs. It is must, mother has told everything, but you have to do it practically. वो टाइम ही नहीं मिलता, क्या करें, टाइम ही नहीं है, we'll have to take the time. So we will demonstrate how to put ghee camphor first, then we will tell you how to massage all the 16 points of the this Vishuddhi chakra. Vishuddhi chakra pe 16 uske petal hai, wo kahan kahan hai wo bhi hum batayenge, theek hai? अगर 100 ग्राम घी हो तो उसमें 10 ग्राम आपको कैम्फर डालना है, ईटेबल कैम्फर। इफ यू गेट ईटेबल कैम्फर इट्स ओके, क्यों फॉरेन कंट्री में ईटेबल कैम्फर नहीं मिलता तो यू कैन यूज प्योर घी। अगर आपके पास देसी गाय का घी है वो भी डाल सकते हैं। इसको 100 ग्राम प्योर घी एंड 10 ग्राम ईटेबल कैम्फर, यू कैन मेक इट हॉट, मिक्स इट अप, से गणेश चतुर्थीशम एंड श्री कृष्णा मंत्रा एंड देन मेक इट कोल्ड एट योर होम, यू कैन प्रिपेयर इट वेरी वेल। बट डोंट मिस इट, मेरे पास घी कैम्फर नहीं था मैंने नहीं डाला, अरे घी तो है, प्योर घी डाल लीजिए। वो यही कई बार यही आता है, कैंपर नहीं मिला डॉक्टर साहब, कैंपर मिला ही नहीं गए, अरे वो नहीं आरती वाला नहीं डाला कैंपर, ये इटेबल कैंपर होता है, नहीं मिला कोई बात नहीं, तो देसी घी डाली थे दैट इज वेरी गुड। इसको देख लेंगे एक बार, यू कैन सी सिर को थोड़ा सा ऊपर रखना है, और जब इस नाक में डाल रहे तो डायरेक्शन थोड़ा इधर को रखेंगे, इधर को रखेंगे, सॉरी इस वाले में डालेंगे इस साइड में, तो इधर को डायरेक्शन रखेंगे थोड़ा सा, बाहर की साइड में डालेंगे दो बूंद, पुटिंग टू ड्रॉप इन वन नॉस्ट्रल देन यू कैन, और मिला देंगे इसको ऐसे करके, ऐसे करके थोड़ा लग जाएगा सब्जेक्ट है, इस नाक को दूसरे को बंद करेंगे, दबा के खींचेंगे, खींचेंगे ऐसे करके, श्वास लेंगे, इसमें डाला है तो
इसको बंद करके यह कुछ सर्किट जब इसमें डाल रहे इस वाले में डाल रहे तो इसको इस डायरेक्शन में रखेंगे ऐसा करके इधर इस साइनस में जाना चाहिए साइनस के सुराख पे साइनस के सुराख पे जाना जरूरी है। वो कई बार ऐसे डाल देते हैं हमारे भाई बहनों की शिकायत होती डायरेक्ट डल गया जी गले में मेरे तो बहुत हालत खराब हो गई। डायरेक्ट कैनाल में नहीं डालना थोड़ा डायरेक्शन हमारा ये होना चाहिए इसमें साइनस पर जाना चाहिए और इसे फिर मिला दें मिलाने के बाद में थोड़ा सा इसको बंद करके ऐसे खींचेंगे ऐसे खींचने के बाद में दो मिनट लेटे रहेंगे ऐसे ही फिर ऐसे ही दूसरे में डालेंगे इसी डायरेक्शन में। ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि एक नॉस्ट्रल में पहले डालना है और दूसरी नॉस्ट्रल से बंद करके उसको श्वास से खींचना है अंदर। ये अल्टरनेटिवली यू कैन डू इट यू कैन लाई डाउन फॉर सम टाइम सिर को टेढ़ा करके थोड़ी देर रुके शांति से अच्छा लग रहा है सिर को नीचे मिला टेढ़ा करो कैसा लग रहा अंदर जा रहा है गले में तो नहीं है ये साइनसिस को क्लियर होता है इट वाइब्रेट ऑल द साइनसिस जब आपका घी कैंपर वाइब्रेट घूम के आप जैसे बताया है वाइब्रेट करके श्री कृष्ण जी के मंत्र लेके गणेश चतुर्थीशम बोल के तो वाइब्रेट हो जाता है तो उसको वाइब्रेट करना है ये जैसे माँ ने बताया ना अपने मैटर को वाइब्रेट करना है हमने इसको वाइब्रेट किया तो इसकी चैतन्य शक्ति बढ़ जाती है। पीछे वाले भाइयों की शिकायत है थोड़ा सुनने में कम इसमें डालने का थोड़ा सा कैनाल में विशेषकर कैनाल में कैसे डालेंगे डायरेक्ट नहीं डालेंगे ऐसे ही थोड़ा सा गर्दन ऊंची करके इस वाले कैनाल में डाल रहे तो इधर को रखेंगे बाहर के फेस में रखेंगे ऐसे डालते टाइम ऐसे करके दो बोन डाल के ऐसे खींच लेंगे फिर जब दूसरे कैनाल में डाल रहे दो मिनट रुकेंगे ऐसे खींच के उसको अच्छी तरह तर होने दोगे। सुराख होता है हमारे कैनाल में फ्री फील्ड है फ्री फील्ड में जाना चाहिए हमारे उसी में बैक्टीरिया इकट्ठे होते हैं उसी में जो है कफ का कंजंक्शन भी उसी में होता है जितना भी सब वायरस उसी में है तो उसका सुराख खुला रहना चाहिए वो खुलेगा आपके घी कपूर से कपूर बैक्टीरिया को मारेगा घी आपके चिकना देकर ड्राइनेस को खत्म करके उसको सुराख को खोलेगा साइनस के ये फ्री फील्ड है दोनों साइड में हमारे तो इसको सुराख को खोलना जरूरी साइंटिफिक बेस बता रहे थोड़ा सा माने जो बताओ तो उसकी बहुत अच्छी चीज़ है अलौकिक है वो बट लौकिक दृष्टि से भी आपको बता रहे कि आप जो है इसको हमारा साइनस का सुराख खुला रहना चाहिए वो डेली डेली घी को रोना जो बहुत जरूरी है तो इसमें डाल के थोड़ा सा ऐसे करेंगे खींच लेंगे फिर थोड़ा सा मिला देंगे हमारे सेप्टम के भी लग जाना चाहिए जो झिल्ली है उसको भी थोड़ा चिकनाहट मिलना जरूरी है फिर जब दूसरे कैनाल में डालेंगे इस डायरेक्शन में हो जाने आप इस वाली साइड में डालेंगे ड्रॉप करके दो बूंद डाल ली ऐसे मिला दिया फिर ऐसे करके ऐसे खींचेंगे डायरेक्शन यही रहेगा गर्दन का फिर एक दो मिनट रुकेंगे फिर दोनों नाकों को आराम से मिला के वो आपके थ्रोट में नहीं जाएगा डायरेक्ट आगे आ जाओ डायरेक्ट थ्रोट में नहीं जाएगा कई बार हमारे स्टमक के पेशेंट होते या किसी को उसको सेंसिटिव होता है एलर्जी हो जाती है मतलब उसको इसमें ऐसे भी तो उसको थोड़ा सा कई बार इस डायरेक्शन में डालेंगे दिक्कत कोई नहीं होगी फिर साइनस क्लियर रहेगा ये जो कई बार यहाँ पर इस एरिया में प्रेशर आ जाता है वो भी हटेगा हमारे आँखों के ऊपर वो प्रेशर कप का जो कंजक्शन होता वो कप का कंजक्शन हटना भी बहुत जरूरी। एक भैया की बहुत अच्छी शिकायत थी अभी भी कि सुबह कल डॉक्टर प्रियंका ने उनको हमें ये बता दिया कि घी कपूर डालो तो क्या दिक्कत हुई होगा कहने लगे कि जब से डाला मेरे नाक कान बंद हो गए। बहुत अच्छी बात बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन किसी के भी हो सब भाई बहन लिख के रख लें पर्ची पे तो मैं बताना चाह रहा था कि सबके लिए एक हमारी स्टेशन ट्यूब होती जो हमारे ईयर नोज थ्रोट को पूरे को कवर करती वो यहाँ पे होती है आपकी उससे हमारे कैन इससे नाक से भी संबंध है थ्रोट से भी और कान से तो वो स्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है कई बार उससे प्रेशर आ जाता आपने देखा होगा कि कई बार जुकाम हो या कान बंद हो गए
तो जब साइनस में कफ का कंजंक्शन हो जाता तो वो हमारा कैनाल पे उस पर स्टेशन ट्यूब पे प्रेशर आ जाता। तो कई बार जैसे हमारे घी डालने के साथ साथ में आपका थोड़ा शकर डाल दिया, वो जम गया थोड़ा सा इस पर जाके, तो वो जब उधर पीछे प्रेशर हो जाएगा स्टेशन ट्यूब पे, उसमें घबराने की कोई बात नहीं। एक तो भूला गया घी डाल ले, ठीक है ना, और बाकी थोड़ा सा वो अपने आप धीरे धीरे हट जाएगा, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। वो प्रेशर आ जाए पीछे स्टेशन ट्यूब पे, कैनाल पीछे इधर चला जाएगा, कान पर दबाव आ जाएगा, थोड़ी सूजन सी महसूस होने लगे, ठीक है ना, उसमें कोई घबराने की बात नहीं। तो उसमें एक काम और भी कर सकते हैं, आप स्टीम ले सकते हैं, थोड़ा साइनस हमारा क्लियर हो जाएगा, वो सुराख साइनस का खुल जाएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसमें घबराने की बात नहीं। मेरा कान ब्लॉक हो गया, ये हो गया, होगा घी कपूर डालना, श्री माता जी ने बताया तो डालना, ठीक है ना। किसी किसी को एलर्जी हो जाती तो वो कई बार ऐसा कर सकते हैं कि आपको जो है उंगली पर लेने के बाद में ऐसे भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, आराम से, बहुत आराम से ऐसे भी लगा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर राणा, आपने बहुत सरल तरीके से एनाटॉमी पूरी समझा दी है। तो नाउ योर गुड, इवन मदर हैज टोल्ड इफ योर नोज इज ब्लॉक तो यू कैन पुट विद ड्रॉपर स्लाइम वाटर, थोड़ा सा नमकीन पानी एक नौसल में डाल दे और मुंह से निकाल दे, फिर दूसरी नौसल में डाल के नाक को गले को साफ करके और फिर उसको साफ करने के बाद आप डाल सकते, उससे आपके नौसल खुल जाएंगे तो पूरा पानी जो अंदर है उसको ऐसे करके पूरा निकाल देना है पानी को, फिर उसके बाद घी कैंपर डाल सकते, वो क्लियर हो जाएगा। कई बार नौ आपका ब्लॉक हो जाता है ना, तो स्लाइम वाटर माँ ने ड्रॉपर के साथ डालने के लिए कहा है, ड्रॉपर से डालिए मुंह में निकालिए, तो ये ड्रॉपर से डाल के मुंह में निकालिए। अच्छा नाउ ये तो विधि होगी कैसे डालना है, अब वो जो छुट्टी पॉइंट है 16 वो बताएंगे। थोड़ा सा एक उंगली पे ले लें घी कैंपर, थोड़ा कोई सी पे भी ले लें, अंगूठी पे उंगली पे दो बूंद। इसमें हमारे खाली हमें यही नहीं लगाना कैनाल में, हमारे थोड़ा सा सेप्टम पे भी लगाना, ये साइनसीज ही है इसमें, थोड़ा सा ये सेप्टम में पूरे पे थोड़ा सा इसको भी मसाज करना, बहुत प्यार से, बहुत ही प्यार से, ठीक है ना। इसी में हमारा हंसा चक्र भी है, ठीक है ना, हंसा चक्र पे भी क्लॉकवाइज, फ्रंट का चक्र है क्लॉकवाइज करेंगे। यू कैन डू मसाज हंसा चक्र क्लॉकवाइज फॉर ब्रदर्स, यू कैन क्लॉकवाइज, आप एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, क्लॉकवाइज करें सभी को ले, आप अपने आप करें, पॉइंट बताएंगे आपको क्लॉकवाइज करते रहे। पॉइंट डैक्स आप बताते रहेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में। 16 टाइम यू हैव टू से श्री कृष्णा नमो नमः, ओम श्री कृष्णा नमो नमः, ओम श्री कृष्णाय नमो नमः, और 16 टाइम बिकॉज ये सेंटेंसेस देन वी कैन डू इट हियर, यस दीज आर द सेंटेंसेस। इधर भी देखें भैया लोग, ओम श्री राधा कृष्णाय नमो नमः, और ये हंसा चक्र क्लॉकवाइज करना, तो टू पॉइंट फोर पॉइंट नाउ हेयर विशुद्धि दिस विद विशुद्धि फिंगर यू हैव टू क्लॉकवाइज मेडिटेट वाइब्रेट इट श्री राधा कृष्ण साक्षात, ओम श्री राधा कृष्ण साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः, एंड देन एट द बैक गर्दन पे भी कर सकते हैं पूरी पे थोड़ा सा हल्के हाथ से, कोई दिक्कत, ये बैक पे ये जो मन का है इसको एंटी क्लॉकवाइज करना है, इसमें
इंडेक्स फिंगर, ये जो आपकी विशुद्धि फिंगर है, इसको ऐसे लेकर ऐसे श्री राधा कृष्ण साक्षात, इससे आपका जो सब खुल जाएगा, विराट से जुड़ जाएंगे। ओम श्री राधा कृष्ण साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। एंड देन एट द बैक ऑफ योर दिस ईयर वी हैव टू टेक द मंत्र श्री राधा कृष्ण, ओम श्री राधा कृष्ण नमो नमः 16 टाइम। दिस दोनों साइड से, दोनों साइड। ओम श्री राधा कृष्ण श्री आदि शक्ति 16 टाइम वी हैव टू डू। सो कंधों के जॉइंट भी पीछे की गर्दन को बहुत ही प्यार से सारे को मसाज कर सकते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम में ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा सब। ये ललिता चक्र और तीन चक्र के बारे में, हमारा ललिता चक्र भी विशुद्धि में ही है, हमारा थोड़ा सा यहाँ पे कंधे पे के नीचे थोड़ा सा फिंगर पे आगे से करेंगे क्लॉकवाइज, पीछे से करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, अगर आगे से करना चाहें तो क्लॉकवाइज। लेफ्ट साइड इज ललिता चक्र, लेफ्ट साइड ललिता चक्र, ये भी विशुद्धि चक्र का ही पार्ट है ललिता चक्र। ये ललिता चक्र स्वामिनी ओम तमेव ललिता चक्र श्री ललिता चक्र स्वामिनी साक्षात श्री आदि शक्ति माता दी श्री निर्मला देवी नमो नमः। प्यार से मसाज करेंगे राइट साइड श्री चक्र, राइट साइड में श्री चक्र, आगे से कर रहे क्लॉकवाइज, पीछे से कर रहे तो एंटी क्लॉकवाइज। श्री ललिता चक्र स्वामिनी साक्षात, श्री ललिता श्री श्री चक्र स्वामी राइट साइड में, श्री श्री चक्र स्वामी राइट साइड, श्री श्री चक्र स्वामी 16 बार मसाज करेंगे धीरे धीरे बहुत प्यार से। आगे अभी नाउ दीज आर दी पॉइंट, जो एंकल्स है ये इसको मसाज करेंगे, यहाँ पर घी लगाओ, इसको ऐसे क्लॉकवाइज। ओम श्री राधा कृष्ण साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर ये फिंगर विशुद्धि वाली ओम श्री राधा कृष्ण साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सेम वे इन दी राइट साइड, साक्षात श्री आदि शक्ति माता, दीज आर दी पॉइंट एंड दिस इज इंडेक्स फिंगर। नाउ वी मूव टू एंकल्स, पैरों वाले में आ जाएंगे। आगे आ जाओ यही है यहाँ पे यही है, जैसे हाथ का है पंजे के बाद में ऐसे यहाँ पे इसको क्लॉकवाइज करना है, ऐसे करके 16 बार साथ साथ में मंत्र भी ले सकते हैं। श्री राधा कृष्ण साक्षात चित्त संतुलन पे रख के इसको मसाज करते हुए, और फिर ये जो अंगूठे के साथ की उंगली है ये भी छुट्टी उंगली है, ये वाली पैर में ये, इसको ऐसे करके अच्छी तरह मसाज करें श्री राधा कृष्ण साक्षात श्री आदि शक्ति माता। फिर ये ऐसे राइट साइड में ये उंगली, तो आप गिनिए कितने पॉइंट हो गए, कितने पॉइंट कहाँ कहाँ है, दो
दो ये चार, दो आठ, आठ के बाद ये दो, आठ दो दस, दो बारह, दो चौदह, सोलह, और सोलह, ठीक है। सोलह पॉइंट, ये पॉइंट आपके सारे छुट्टी से कनेक्टेड है। जय शिवाजी। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू कैन क्लैरिफाई, नो प्रॉब्लम, वी आर हियर। ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। अगला सेशन आंसर क्वेश्चन होगा। सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है अपने क्वेश्चन लिख कर रखें और अतुल भैया को सबमिट करा दें, जिसका जो भी क्वेश्चन है। श्री माता जी को प्रणाम करेंगे, थैंक यू बोल रहे श्री माता जी, बंधन लेके जब उठे। जय श्री महाराज जी। आप सभी ये वीडियो रिकॉर्डेड सेशंस में भी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। सहज योगा हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर ग्रेटर नोएडा का यूट्यूब चैनल है, उस पर आप ये सभी सेशंस की वीडियोस को देख सकते हैं। और इसके अलावा जो सेमिनार्स हुए हैं या डॉक्टर्स एडवाइजेज हैं, क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं, वह सारे आप लोगों को यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो आप नोटिस बोर्ड पर भी यूट्यूब चैनल का नेम और इन्फॉर्मेशन है, और आपको वर्बली भी बताया जा रहा है, तो आप सब्सक्राइब करके उस चैनल पे इन वीडियोस को देख सकते हैं। जय श्री माता जी।